गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें मैन पावर प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हमारा शुरू होता है तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, यानी मैन पावर प्लानिंग करते हैं हम। हमारे थ्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल हुआ, मिडिल लेवल हुआ, लो लेवल हुआ, तीनों लेवल पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो उन सभी को हम पहले क्या करते हैं, उनको हम ये देखते हैं कि हमारे तीनों लेवल पे कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, यानी काम करने वाले हमें कितने कर्मचारी चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम एस्टिमेशन करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके हम एस्टिमेशन करते हैं कि किस कौन सा पद खाली हो गया है और किस पद पर हमें कर्मचारी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, मैन पावर प्लानिंग जो इसमें हमारे स्कोप में इसका फर्स्ट इसमें पॉइंट है। आफ्टर हमने एस्टिमेशन के बाद हमने देख लिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत होगी, उसके बाद क्या होती है, दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होती है, मतलब भर्ती करना, यह एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। इसमें हम जो रिक्रूटमेंट है वो टू टाइप से कर सकते हैं, जैसे इंटरनल सोर्सेज से कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में हम कैसे कर सकते हैं, ये आंतरिक भर्ती। आंतरिक भर्ती मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भर्ती हो सकती है, जैसे कोई प्रमोशन कर देना किसी का, है ना, यानी वो लो लेवल पे काम कर रहा है तो वो अपर लेवल पे काम करने लग जाएगा, मिडिल लेवल पे काम करने लग जाएगा, उसका प्रमोशन कर देंगे। और एक्सटर्नल सोर्सेज में बहुत से ऐसे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, है ना, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, जब आपके पास भर्ती के बहुत से आवेदन आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो आप सभी को अपॉइंट थोड़ी कर सकते हो, आप उन्हीं पर्संस को अपॉइंट करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होंगे, जो जिस पद के लिए जो क्या होंगे, कैपेबल होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, उन्हीं को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन में यही होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, इसमें सभी को जो जिसने रिक्रूटमेंट किया, जिसने एप्लीकेशन दी थी, हम सभी को रिक्रूट नहीं करते, बेस्ट पर्सन को, यानी राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस के लिए अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर द सिलेक्शन के बाद उनके बहुत से टेस्ट भी दिए जाते हैं सिलेक्शन में, उसके बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। जब हम ये चैप्टर करेंगे तब इसके इसको हम डीपली आपको समझाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज में प्लेसमेंट। आफ्टर सिलेक्शन जब आपके एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है तो प्लेसमेंट में क्या होता है, उसको बताया जाता है, उसके पद के बारे में बताया जाता है, उसके जो राइट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, उनको जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिस उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्य जो होंगे उनके बारे में बताया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से उनका परिचय कराया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जरूरी नहीं, जो रिक्रूटमेंट न्यू रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉय हुए, यानी जो जिन कर्मचारियों की नई भर्ती हुई है उन्हीं के लिए ट्रेनिंग जरूरी हो, नहीं, जो एग्जिटिंग एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग का होना जरूरी है ताकि वो अपडेटेड रहे, जो न्यू मेथड्स या टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे क्या है वो अपडेटेड रहे। तो ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो मोटिवेट होते रहे, ठीक है, और अपना काम क्या करते रहे, प्रॉपरली कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। डेवलपमेंट, विकास, उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है, उनको प्रॉपरली अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होता है, उनको उनके जो उनका रोल होता है, उनके जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से बताए जाते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सबसे पहले उनको काम तो अच्छे से बताना चाहिए कि आपको ये रोल है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये कंप्लीट करनी है। आफ्टर दैट के बाद ही तो वो फिर अपना योगदान देंगे उस काम को पूरा करने में, ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है परफॉर्मेंस अप्रेशर, यानी जब आपका एम्प्लॉई
शिक्षक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, अवेयर प्रेडिक्ट भी करते रहना चाहिए। अगर जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेशन मतलब उसका निष्पादन कार्य जो उसका कार्य था तो उसका मूल्यांकन करने पर हमने देखा कि वो अपना काम प्रॉपरली ढंग से नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन पे क्या करें, उनको मोटिवेशन करना चाहिए। ठीक है, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन हम मॉनेटरी नॉर्मल के टर्म्स इन दोनों में कर सकते हैं। ओके, तो तब वो प्रॉपर मोटिवेट होंगे तो अपना कार्य क्या करेंगे, वो अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है रेम्यूनरेशन यानी वेतन। जो हमारे एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ठीक है, रेम्यूनरेशन भी देना चाहिए, टाइमली उनको बोनस भी देते रहना चाहिए ताकि वो फुल मोटिवेट हो, उनका मोरल बूस्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट इसमें सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉई वेलफेयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एम्प्लॉई काम करने वाले होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर को भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वो जैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दिया जाता है, क्रेंचेस भी रखे जाते हैं, कैंटीन की फैसिलिटी भी दी जाती है, तो ये उनके क्या होता है वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मीन्स होता है कि जो उनके आफ्टर भी उनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होगा या प्रोविडेंट फंड होगा तो उसके बारे से रिलेटेड होता है। ओके, तो हम जाने आज हमने स्कोप के बारे में पढ़ा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में जब हम कोई एम्प्लॉई की रिक्रूटमेंट से लेकर या उसकी प्लानिंग से लेकर रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, आफ्टर दैट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट किया जाता है, उनको मोटिवेट करते रहते रहते हैं, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए और इसमें सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉई वेलफेयर यानी इतनी सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं एचआर में। तो जो एचआर का स्कोप है वो कितना है, क्या है, बहुत ही वास्ट है। तो इसमें हम इसको जो एचआर पर जो इसका स्कोप है इसको हम थ्री एस्पेक्ट्स में बांट भी सकते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है इसमें पर्सनल एस्पेक्ट। सेकंड है इसमें सोशल एंड वेलफेयर एस्पेक्ट। And third is employee-labor relationship. देखिए